समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादों से पुराना वास्ता है। आए दिन अपने अनर्गल बयानों के कारण वे चर्चा का विषय बने रहते हैं। हाल ही में दिवाली पर महालक्ष्मी पर दिए गए बयान के कारण वे विवादों में थे। उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो उनके बोलने पर बैन की मांग कर दी थी और कहा था कि उनके मुंह में बवासीर हो गया है। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं बल्कि उनकी बेटी भी एक नए विवाद का हिस्सा बन चुकी है। ऐसा विवाद जिसमें एक युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को खुद की पत्नी बता दिया है और दावा किया है कि उन्होंने बिना तलाक लिए उनसे दूसरी शादी की थी। क्या है ये मामला, आइए समझते हैं। दरअसल दीपक स्वर्णकार जिसने ये दावा किया है कि संघमित्रा ने उससे बिना तलाक दिए दूसरी शादी की थी, बताया जा रहा है कि वो और संघमित्रा मौर्य लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में थे, जिसके बाद 3 जनवरी 2019 को उन्होंने शादी की थी। लेकिन संघमित्रा मौर्य जैसे ही बीजेपी से सांसद बनी, उसके बाद खुद संघमित्रा मौर्य और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य दीपक कुमार स्वर्णकार की जान के दुश्मन बन बैठे थे। उन पर कई बार हमला भी हो चुका है। दीपक स्वर्णकार ने यह भी आरोप लगाया है कि 2019 के चुनावी शपथ पत्र में संघमित्रा ने खुद को अविवाहित बताया था, यानी हलफनामे में झूठ लिखा था। जब उसने वर्ष 2021 में विधि विधान से शादी करने के लिए कहा तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसके ऊपर कई बार विभिन्न स्थानों पर हमला कराया। अब यह मामला कोर्ट में है। एमपी एमएलए कोर्ट ने संघमित्रा मौर्य समेत 5 लोगों को आने वाली 6 जनवरी को तलब किया है। दीपक का आरोप है कि संघमित्रा के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई लोगों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी थी। कोर्ट ने धोखाधड़ी और मारपीट के आरोप में उन्हें तलब किया है। संघमित्रा मौर्य पर धोखाधड़ी के आरोप के बाद साक्ष्य के तौर पर दीपक कुमार स्वर्णकार ने अदालत को हलफनामे की प्रमाणित प्रति भी पेश की। इन दोनों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब दीपक के इन आरोपों पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।